क्राइम ओडिशा को स्वागत करछु मिनलिमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे सौम्यंक आर्टिकल अटैक बीजेडी मुखियांक तेरेछा बाण दिव्य शंकर को कले खोला आक्रमण स्कॉटलैंड प्रधानमंत्री मोदी को भव्य स्वागत संवर्धना ग्लासगो रे प्रवासी भारतीयों उत्साह भारत माता की जय हमें हिंदुस्तानी स्वर में कंपिला परिवेश कॉप 26 शिखर बैठक में जोगदे स्कॉटलैंड गस्तरे मोदी धरा पड़गला बीजेडी दमुहा राजनीति छबिराणी बेले विजु बाबू स्लोगान छबिराणी आत्मा देछि डाकरा ओडिशावासी एक हुआ अंजना बेले बीजेडी नारा अंजना गणदुष्कर्म पर दायी किए आ ममिता बेलू मुहरे तुंडी ममिता महालिंग मंत्री महाषडयंत्र 1995 दिल्ली रे नेना साहणी 2021 ममिता को हत्या नेना को मर्डर परे पोड़ी देते तंदूर भाटी ममिता को हत्या परे पोड़ी माटी तले पोती देले एवं चली प्रमाण नष्ट अभियान संदेह रे बलांगीर पुलिस भूमिका खोलुछि रायपुर रहस्यर गुमर ममिता मर्डर मिस्ट्री रे संतोष सिंह सालुजा बड़ अभियोग कहले 20 सेप्टेम्बर में ममिता को रायपुर नेला गोविंद मंत्री उपस्थित में कुल होम आपार्टमेंट होता बुझामणा पेनड्राइव कॉल डिटेल जांच पर दाबी सेपटे विजय विस्फोरक बयान थे नुहे तीन थर हो कंप्रोमाइज ओडिशार विभिन्न स्थान में ममिता ताती केन्दुझर एसपी ऑफिस घेराव बेले आंदोलनकारी गोड़ाई गोड़ाई पिटिला पुलिस लाठी माड़े फाटिला मुंड रक्त बोहिला बरगढ़ में 12 घंटिया बंद गोटे दाबी इस्तफा दियो कैप्टेन एवं सिंदूर फरुआ भितर सीएम ना लोकसेवा भवन जाउछंती ना विधानसभा प्रत्यक्ष भाव रहउछंती उपस्थित मुख्यमंत्री मौनता को नहीं प्रश्न उठाला बीजेपी कहला दीर्घ वर्ष धरी अभियोग प्रकोष्ठ को भी आसुना नवीन कैप्टेन जौन केलेंकारी अभियोग कुआडे गला नो टॉलरेंस नीति सौम्यों आर्टिकल अटैक बीजेडी मुखिया को तेरेछा बाण मारे सौम्य दिव्य शंकर को कले खोला आक्रमण वृत्ति पार्टी और माटी शीर्षक लेखे कैप्टेन को सीधा मागिले जवाब आर्टिकल अटैक परे बीजेडी पावर कॉरिडोर रे हलचल बीजेडी विधायक सौम्य रंजन को संपादकीय माध्यम रे हमला नेतृत्व उपरे परोक्षर हमला आ मंत्री उपरे सीधा सीधा हमला संपादकीय माध्यम रे बीजेडी को सीधा सीधा आक्रमण कले बीजेडी रो हेवीवेट सौम्य रंजन पटनायक आम घर हालचाल शीर्षक लेखे सौम्य खोलीदे ममिता हत्याकांड महागुमर राज्य सरकार विवादियों मिनिस्टर दिव्यशंकर मिश्र को मागिले सीधा सीधा जवाब वृत्ति पार्टी और माटी शीर्षक लेखे खोद गृहमंत्री राज्य में केमिति असुरक्षित से कथा कहवास ममिता हत्याकांड घटन मंत्री दिव्यशंकर भूमिका को नहीं खोली पोल सौम्यों आर्टिकल को नहीं एवं बीजेडी पावर कॉरिडोर में झड़ सृष्टि सौम्य रंजन विगत दिन स्वास्थ्य मंत्री अतुल सव्यसाच उदाहरण दे पुणी थे नैतिकतार पाठ पढ़ाई दिव्यशंकर राज्यर गृहमंत्री दिव्यशंकर मिश्र गणमाध्यम को देखा नाली आखि को नहीं करिछंती समालोचना और आर्टिकल माध्यम रे गृहमंत्री को पचारिबा छळरे बीजेडी नेतृत्व उपरे करिछंती सीधा सीधा हमला प्रश्न नंबर एक गृहमंत्री दिव्यशंकर मिश्र ममिता हत्याकांड रे दुखित और मर्माहत कहउछंती जणे बापा हिसाब से घटना तांकु व्यथित करुछु बोली कहउछंती एले ममितांक घर को कोन पई ए जाई गलने दिव्यशंकर प्रश्न नंबर दुई वायुसेनार कर्मचारी भाव निजे आहत हेबे बरम अन्य को क्षति देवे नहीं बोली दिव्यशंकर बिवृत्ति देखिंटी ममिता मेहर हत्याकांड घटन किए दुख पाई किए क्षतिग्रस्त हो सशस्त्र बाहन लड़ुआ सैनिक साहस और बलिदान आदर्श कुआडे गला प्रश्न नंबर तीन मंत्री कौन जाणी ना से गृह राष्ट्रमंत्री थी जाए घटनार निरपेक्ष
तदंत हो पार ना प्रश्न नंबर चार हॉस्पिटल अग्निकाण्ड घटना रे जदि अतुल सब्यसाची नायक इस्तफा देते ताले कॉलेज प्रसंग रे दिव्यशंकर प्रति अन्य मापदंड लागू होना कहीं प्रश्न नंबर पांच मंत्री गणमाध्यम को नैतिकता कथा कहता बेले नैतिकतार मूल्यबोध कौन गोटे पक्षों पर निज पक्षर मूल्यबोध कड़े गला प्रश्न नंबर छ प्रमाण हेले मंत्री पदवीरु संन्यास नेबा कथा कहते तत्कालीन रेलमंत्री लालबहादुर शास्त्री केन्द्र मंत्रिमंडल इस्तफा देते अतुल सब्यसाची नायक राज्य मंत्रिमंडल इस्तफा देते एम विरोध में कौन प्रमाण था प्रमाण खोजा दायित्व पुलिस ना साधारण नागरिकों प्रश्न नंबर सात मनीष असहाय हेले भगवान शरणापन्न हुए मंत्री दिव्यशंकर मिश्र माणिकेश्वरी को सपक्ष में नेबा को भूली ना मंत्री सपक्ष में एत बड़ बड़ लोक थे मंत्री असहाय मन कर प्रश्न नंबर आठ जदि विवादीय होता मंत्री सरकारी कार्यक्रम को गले तेब से मंत्री सभार रे केमी प्रश्न नंबर नौ खोद गृहमंत्री दिव्यशंकर मिश्र सरकारी बासभवन में न रही अन्य बंधु घरे रोचार जदि जड़े राज्यर गृहमंत्री असुरक्षित ताले से अन्य को सुरक्षा देवे किपर प्रश्न नंबर दस अतुल बेले गोटे मापदंड आ दिव्यशंकर समय आउ एक मापदंड लागू हेला भि लगुना कि संपादक मध्यम सौम्यरंजन निजर विगत दिन देसी सरकार को परामर्श देवा कथा भूली ना से कांग्रेस दल में या बेलर कथा होवा बीजेडी दलर कथा सौम्यरंजन निजर आर्टिकल रे अंजना मिश्र बलात्कार प्रसंग उठाई ममिता प्रसंग सह जोड़ी सरकार को सीधा सीधा कर समालोचना तत्कालीन मुख्यमंत्री जानकी बल्लभ पट्टनायक को इंद्रजित राय इस्तफा पत्र लिखि से निजे जानकी को देखा कथा उल्लेख कर एठारे उल्लेख करे अंजना मिश्र कांड बेले बीजेडी स्लोगान थिला जानकी देछि निर्यातना एपरिक दलय प्रार्थी मैंने कांग्रेस विरोध में केवल बड़ प्रसंग कर अंजना को नहीं निर्वाचन प्रचार कम लगे ओडिशार राजनीति को सर्वाधिक प्रभावित करहुचर्चित प्रसंग है छबिराणी रेप एंड मर्डर सेतबेर राज्यर तुंग नेता और आज शासक दल पर प्रबाद पुरुष विजु बाबू नारा था छबिराणी आत्मा डाकरा देशावासी एक हुआ ममिता प्रसंगे खोद शासक विजु जनता दल हेवीवेट नेता एपरी विस्फोरक मंतव्य ममिता हत्याकांड प्रसंगे जलुवा निरे क्षय ढाई एवं दलय नेतृत्व को काठगड़े ठिया कर रिपोर्ट अर्गस न्यूज सेबड़े सौम्यों आर्टिकल उपरे प्रतिक्रिया रखिछंती बीजेपी कांग्रेस एवं बीजेडी बीजेपी नेता जयनारायण मिश्र कहते सौम्यरंजन पट्टनायक तांका संपादकीय रे ठीक लिखिछंती पूर्वर कौन मंत्री नाँ छाया दुर्नीतिर अभियोग आसले मुख्यमंत्री बहिष्कार करते किंतु ताउना से निरंजन कहते बीजेडी सरकार समय नेता क्षेत्र में नैतिकतार अवक्षय होने बीजेडी रखी तार जवाब से तो इनक्वारी चली मोर किसी कहबार ना से लिखिंट सी भी शासक दल विधायक पचारत से कौ दृष्टिभंगी नहीं लिखिंट तो दृष्टि जो उदाहरण देले से उदाहरण मुझे अंतर्भुक्त जोबले मुर्टे न थाई मुर्टर कौन पक्ष न थाई मन को मन गोटे हाइकोर्ट जज लिखिदे अभ्यासगत कौन लाचदाता बोली मु तुरंत रिजाइन एवं करते सुप्रीम कोर्ट ताको नाकच करदे खारज करदे पुणी जा मंत्री होती आजिकल राजनैतिक लोकंर नैतिकता प्रति दृष्टि ना जदि मंत्री कौन देले सफे तो समस्त आगे अच्छी जदि से ताहले तदंत को कहीं डरुंटार कलेक्टर एसपी तांको सुरक्षा घेर में कहीं रखिंट विभिन्न जगार तो जदि से एत क्लीन ताले ए घटनाटा सीबीआई कौन पर हस्तांतर कराऊना ओडिशा सरकार कही दिखाँ सीबीआई तदंत कर आम छाड़ीदेव
COP26 बैठक में जोगदेवाई स्कॉटलैंड ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेठे मोदी को मिली प्रवासी भारतीय विपुल स्वागत संवर्धना G20 शिखर सम्मेलन में जोगदेवा अवसर इटाली रोम सहर से जपरि प्रवासी भारतीय विपुल उत्साह सहित मोदी स्वागत संवर्धना जनईते तार पुनरावृत्ति घटी स्कॉटलैंड प्रवास में रोते से सबुठ लोकप्रिय नेता होती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ो कल की बातें मोदी है भारत का गहना मोदी लिखिबे भारत रो नुआ कहानी भारत माता की जय हम है हिंदुस्तानी निजर प्रिय प्रधानमंत्री को स्वागत संवर्धना पे ग्लासगो रे प्रवासी भारतीयों को उत्साह COP26 बैठक में जोगदेवाई स्कॉटलैंड ग्लासगो में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेठे मोदी को मिली प्रवासी भारतीयों विपुल स्वागत संवर्धना G20 शिखर सम्मेलन में जोगदेवा अवसर में इटाली रोम सहर से जपरि प्रवासी भारतीय माने विपुल उत्साह सहित मोदी को स्वागत संवर्धना जनईते तार पुनरावृत्ति घटी स्कॉटलैंड नवंबर 1 तारीख दिन बड़ी भोरु स्कॉटलैंड रो ग्लासगो रे पहुंची थिले मोदी तांकर टिके झलक पाइबा सहित स्वागत संवर्धना जणाइबा पई होटल भितरे एवं बाहरे घंटा घंटा धरी अपेक्षा करी रहितिले प्रवासी भारतीय तेबे निज देशर प्रिय प्रधानमंत्री को भेटिबा एवं स्वागत करिबा पई प्रवासी भारतीय माने अपनाइथिले किछि नुवा उपाय गीत लेखि स्वर देवा सहित लोकप्रिय पुराणा बॉलीवुड गीतरे मोदी ना रखी बेस उत्साह सहित गान करिथिले हाथ में भारत जातीय पताका धरी सेठारे उपस्थित थिबा किछि भारतीय युवक मोदी गाइथिबा एक गीत एबे बेस भाइराल हेबार लागिछि मोदी भारत का गहना अर्थात मोदी होचंती भारत गहना विदेश में मोदी भारत गौरव आ शोभा वर्धन करती प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों सह मिसी एवं कथा होई बेस आनंदित थिबार देखा जाइथिला एपरिक सेठारे उपस्थित थिबा जने भारतीय शिशु सह कथा होइथिले मोदी 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 स्लोगान रे कंपी उठिथिला होटेल परिसर मोदी को देखी एवं तांक सह अल्प समय भाव आदान प्रदान करी बेस आनंद अनुभव करिथिले घंटा घंटा धरी अपेक्षा करिथिबा प्रवासी केवल सेतिक नुहे मोदी भारत विकास रो नुआ कहानी लेखिबे बोली गीत माध्यम रे प्रकाश करिथिले उपस्थित थिबा प्रवासी आईटी प्रोफेशनल्स वी आर जस्ट वेटिंग फॉर मोदी टू बी हियर वी आर सो एक्साइटेड वी सॉ हिम ओवरवेल्म्ड टू सी हिम एक्चुअली It is fantastic to him, meeting with him. Oh, very, very excited. So first time Modi ji come to Scotland and we are very, very, very excited about it. Looking forward to it. Yeah, over excited. You can see on my face. First time Modi ka Glasgow aana, right? In Scotland mein aana is a big thing for us. Hum log bahut zyada khush hain. Hum log pichle 4 ghante se wait kar rahe the. और उनको देखने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अस वी आर प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर वी आर प्राउड ऑफ आवर कभी सोचा नहीं था यार सोचा नहीं एक सपना सच हुए जैसी फीलिंग है और उनके चेहरे की चमक उनकी प्रतिभा देख के लगता है कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं इतना दो दिन का छोड़ो कल की बात पुरानी मोदी जी के लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी जाति संघ द्वारा आयोजित गुरुत्वपूर्ण COP26 शिखर बैठक परे नवंबर 2 रे भारत फेरिबे प्रधानमंत्री मोदी तेबे फेरिबा पूर्वरु विभिन्न राष्ट्रर राष्ट्रमुख्यक सहित तांकर व्यक्तिगत साक्षात कार्यक्रम रहितिबार जणा पडिछि ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज आरंभ है COP26 शिखर सम्मेलन स्कॉटलैंड ग्लासगो
आरंभ होता दुईदिनिया सम्मेलन में जोग देते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेठे पहुंचा पर ब्रिटेन आमेरिका सहित अन्य देशर राष्ट्रमुख्य भेटिंट प्रधानमंत्री जलवायु पर आह्वान उपर आलोचना और समस्या प्रभावी समाधान बाहर करने सम्मेलन शुभारंभ कर मत रखी ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जनसन जनसन कहते पृथ्वीर स्थित वर्तमान समय काल्पनिक चरित्र जेम्स बॉन्ड पर रही है जे वर्तमान से बोम निरस्त्र करने प्रयास करे विश्व को ध्वंस करें परिवेशर परिवर्तन को बोमा सहित तुलना करछन्ति ब्रिटेन प्रधानमंत्री सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जलवायु परिवर्तन उपरे विश्व आगे रखिबे भारतर योजना एवं विचारधारा यापरे अनेक विश्व नेतांक सहित द्विपाक्षिक आलोचनार कार्यक्रम रहिछि। स्वागत धरा पड़गला बिजेडीर दोमुहा राजनीति छबिराणी बेले विजु बाबूं स्लोगान छबिराणी आत्मा देछि डाकरा ओडिशावासी एक कह अंजना बेले बिजेडीर नारा अंजना गणदुष्कर्म पई दाई किए कि ममिता बेलू मुहरे तुंडी देखु ए रिपोर्ट अंजना गण दुष्कर्म पई दाई किए धरा पड़गला बीजेडी रो दोमुहा राजनीति छबिराणी बेले विजु बाबू को स्लोगान छबिराणी आत्मा देछि डाकरा ओडिशावासी एक हुआ अंजना बेले बीजेडी रो नारा अंजना गण दुष्कर्म पई दाई किए जानो कि आउ किए आउ ममिता बेलकु मुहरे तुंडी अशी दशक छबिराणी गण दुष्कर्म और हत्या मामला सारा राज्य में हईचई सृष्टि करितला सेतेबेले विरोधी जनता पार्टी ने थिबा बिजु पटनायक हल्ला बोल करितले छबिराणी आत्मा देछि डाकरा ओडिशावासी एक हुओ अंजना मिश्र सेतेबेले कांग्रेस सरकार को अड़ुआ पकाइथिले नवीन पटनायक बिजु जनता दल नेता माने आंदोलन को ओल्लाई घेरिथिले तत्कालीन मुख्यमंत्री जानकी बल्लभ पटनायक ममिता मेहर को नृशंस हत्या और मोहाली कलेज जौन के सारा राज्य जड़ुच स्वराष्ट्रमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र संपृक्ति अभियोग आसुच्छ बड़ कथा छबिराणी गण दुष्कर्म हत्या और अंजना मिश्र मामलें तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष संपृक्तिर अभियोग आसी न सेतेबेले जो माने राजनैतिक प्रसंग करिथिले सेमानंको मुहरे तुंडी ममिता घटना पचारिले टेम्परेचर बढ़ी जाउछि सर आ गोटे सर आ गोटे प्रसंग सर 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 गोटे पटे दिव्यशंकर मिश्र स्टेटमेंट दे सारछन्दि ता सर माथे काई खोल कोन दिव्य आडू को बोलेला तमे याडे दरदाम को दिव्य जेबी अजता राजनीति करछि कि मतलब से माने केस करछन्दि सर खबर देखाइले गणमाध्यम विरोध रे कैप्टन को परिवार रो मानहानि मुकदमा ये करिछंति ताना सही केई किछि कहिबेनी खबर देखाइले नाली आखी एबे खाली विरोधी नुहे खोद शासक दल रो विधायक सौम्य रंजन पटनायक मध्य प्रश्न उठाइछंति खाली कैप्टन नुहे पावरफुल मंत्री प्रताप जेना भी संदेह घेरे हेलीकॉप्टर रे जाई कार्यक्रम रे जोग देथिले प्रताप मालिंग प्रश्न पचारिले से बी चुप मालिंग कॉलेज रा जो बिल्डानी कोसे जा को गोविंद साहु आपन तो बिल्डानी कहिथिले प्लीज 21 वर्षर बीजेडी शासन रे टिकिरी कुंतुली पिपिली माधवीलता स्मितारानी परी कहा को मिलला नि न्याय अनेक मामला रे अपराधी को सुरक्षा देले शासक दल रो नेता मंत्री विधायक सांसद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रो तथ्य भी कहउची दंड विधान हार रे ओडिसा तळ आडु द्वितीय आउ सेति पई प्रश्न पचारिले मुहरे तुंडी ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। ममिता महालिंग मंत्री महाषडयंत्र 1995 दिल्ली में नेना साहणी 2021 ममिता को हत्या नेना को हत्या करने पोड़ी देते तंदूर भाटी रे ममिता को हत्या परे पोड़ी माटी तले पोतिदेले एबे चली प्रमाण नष्ट अभियान यार भितर संदेह घेरकू आसी बलांगीर पुलिस भूमिका
ममिता महालिंग मंत्री आउ महाषड़यंत्र नैना साहणी ममिता मेहर 1995 रे दिल्ली रे 2021 रे महालिंग रे नैना को हत्या करी तंदूर भाटी रे पोड़ी देले ममिता को हत्या भी तंदूर मर्डर ठारू कम नुहे आउ एबे चालीची प्रमाण नष्ट अभियान बहुचर्चित ममिता मेहर मर्डर और महालिंग जौन कलंकारी अभियोग रे अनेक असमाहित प्रश्न जहाकु नै संदेह रे बलांगीर पुलिस आ सीधा सड़क संप्रति अभियोग आसुची गृह राष्ट्र मंत्री दिव्यशंकर मिश्रंकर पुलिस को प्रश्न नंबर एक ममिता को दुष्कर्म पर हत्या करा जाइतिबार सांघातिक अभियोग आनीथिले तांको भाई पुलिस कहिला गोविंद तंटी चिपी ममिता को हत्या करिछि पुलिस केउ आधार रु कहुछि रेप होइ नाही बोली पुलिस को प्रश्न नंबर दुई सिंधेकला पुलिस 13 रे रखिला ममिता निखोज जेतला 14 रे उठाई आनिला गोविंद को 4 दिन रो आतिथ्य देला 17 रे टिटलागढ़ थाना रु चंपट मारिला गोविंद 18 राति रे महालिंग स्टेडियम खोलाखोली आरंभ कला किछि शरीरर अंश मिलिथिबा कहिला बड़ा प्रश्न पुलिस को किए कहिला स्टेडियम रे पोता होइछि ममितांक मृतदेह पुलिस को प्रश्न नंबर तीन शरीरर जो पोड़ा अंश मिलिला तहा कहार तहा ममितांकर बोली केमिति जानिला पुलिस फोरेंसिक टेस्ट नहेले केमिति जणा पड़िबो पुलिस जहा कहुछि ताहा गोविंदर बयान उपरे कोर्टरे ए सबु प्रमाण करी पारिबो त पुलिस ना जानी सुनी ए षड्यंत्र ताकू नै प्रश्न उठाई छंती राजनैतिक दल एठी जो डेड बॉडी ममितांकर गोटे महालिंग पड़िया बोली कहुछंती सेठी खंड खंड करी नेकिरी गोविंद पोतिछि बोली जो पुलिस तथ्य दौछि सर्वसाधारण रे सेटा केते दूर प्रमाण योग्य गोटे कोर्ट ऑफ लॉ रे दैट इज ए मिलियन डॉलर क्वेश्चन एवं सेठी गोटे जेसीबी नेकिरी खोलिकिरी कहिले मांस केते खंड कोन बाहल्ला बेली गोटे वैनिटी बैग पाउंजी एमती किछि तथ्य देखे कहिले एटा होची ममितांकर शव जदि अर्थात गोविंद किंतु से समय रे पुलिस कस्टडी रे नथिले वर्तमान सुधा गोविंदक विरुद्ध रे पुलिस कोनोसी प्रकार तथ्यगत प्रमाण जोगाड़ करि पारि नाही ये सबुर उद्देश्य होची पुलिस जेतिक दिन पाइला से पर्यंत गृहमंत्रींकर सहयोगी हिसाब रे बोधे चेष्टा करा जायची किभळी भाबे तथ्य प्रमाण को नष्ट करा जीव ममिता निखोज हत्या घटना रे प्रथम रु ही बड़ा षड्यंत्रर मिलुथिला आभास के गां थाना एतला न रखिबा गोविंद को 4 दिनर आतिथ्य कैप्टन क सह गोविंदर संपर्क सबु संदेह को बढ़ाउची ता सहित महालिंग जोन कलंकारी अभियोग को मध्य तदंत परिसर को नेउ नाही पुलिस मुदलार विद्यालय को एते अजाचित आर्थिक सहयोग से विद्यालय को बारंबार विभिन्न मंत्री प्रभावशाली व्यक्ति जीवा एवं ये साहू ये घटना करवा आपको सबूजाक पुंगानुपुख तदंत कले आदि अन्न मान हाथ अच्छी कि नहीं से माने अपराधिक मंत्रणा कर जना पड़ कितु जहाँ तदंतर प्रक्रिया जना पड़ी से किसी घोड़ेवा चेष्टा कर किसी लोक खसैवाक प्रयास होभव कर निज बस को घंट घोड़ाऊ कि पुलिस षड्यंत्र करी मामला को चापी देवाई बड़ा प्रयास रे कि पुलिस ब्यूरो इनपुट सह सुंदरगढ़ सागर पट्टनायक रिपोर्ट अर्गस न्यूज खबर जारी रहबो समय छौ एक ब्रेक रो ब्रेक स्वागत खोलुची रायपुर रहस्यर गुमर ममिता मर्डर मिस्ट्री रे संतोष सिंह सालुजा को बड़ अभियोग कहले 20 सेप्टेम्बर ममिता को रायपुर नेटला गोविंद मंत्री को उपस्थिति रे कूल होम अपार्टमेंट रे होइतला बुझामणा पेन ड्राइव कॉल डिटेल जांच पई दाबी कले सालुजा अनेपक्ष रे विजय को विस्फोरक बयान थरे नुहे तीन थर होइची कंप्रोमाइज रायपुर राजरु परदा हटेबा को चाहुनी कि पुलिस रायपुर रहस्यर गोटे पर गोटे अभियोग ममिता मर्डर मिस्ट्री मंत्री रायपुर लिंक को नहीं बड़ा अभियोग
ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20-23 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମମିତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରାୟପୁରସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ହୋଇଥିଲା ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଓ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାୟପୁର ଗସ୍ତର ତାରିଖ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ନୂଆ ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। ସାଲୁଜା କହିଛନ୍ତି 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମମିତା ଘରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ବାହାରିଥିଲେ, ସେଠୁ ମମିତାଙ୍କୁ ରାୟପୁର ନେଇଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଲ୍ ହୋମ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 4 ଦିନ ଧରି ମମିତାଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଉଭୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ବୁଝାମଣା ନହେବାରୁ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ ମମିତା, ଆଉ ସେବେ ହିଁ ମମିତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ଯୋଜନା ମୁତାବକ 7 ତାରିଖ ଦିନ ମମିତାଙ୍କ SBI ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3533-5433-989 8,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଡକାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ମମିତା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ସେ ସମୟର ଟେଲି କଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରୁନି ପୋଲିସ। ଏହା ବାଦ୍ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ମିଳିଥିବା ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଓ ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ରେ ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡେଲ ରହିଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଲୁଚାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଭକ୍ତ ଦାସ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ଜଡ଼ିତ। ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ସେ ତ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଯାହା ସବୁ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ରଖିଥିଲେ। ଟୋଟାଲ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ, ଏହି ସରକାରର କୁକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଥିଲେ, MLA ଯାଉଥିଲେ, ସେଠି କୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବାରମ୍ବାର ସେଠିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସବୁ ସେଥିରେ। ଏହାରି ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାୟପୁର ବୁଝାମଣା କଥା ପୁଣି ଥରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ରାୟପୁରରେ ଥରେ ନୁହେଁ 3-3 ଥର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଏପରିକି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ବାରାକରେ ଥିଲାବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାୟପୁରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲାଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ପୃଷ୍ଠା ବାକି ଅଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ଫୋରକ ତଥ୍ୟ ଆସିବ। ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କିଏ, କେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଚିବାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ପୋଲିସ କଥାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ଜଣେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ପୋଲିସ ବିଭାଗ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର ସିଏ, ଆସାମୀ ସିଏ। ସେପଟେ ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦଳର ନେତ୍ରୀ ସୁଲତା ଦେଓ ବେଶ ମାପିଚୁପି ରଖିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର। ବିଧାୟକ କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜି ଯେଉଁ ଆକ୍ଷେପ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଯେଉଁ 20-23 ତାରିଖ କଥା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମୁଁ ରାୟପୁରରେ ଥିଲି, ମୁଁ 21 ତାରିଖ ରାତିରେ କଟାମାଞ୍ଜିରେ ଥିଲି। ମମିତା ମେହର ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ଝିଅ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ହେଇଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ, ଏଠି କାହାକୁ ବି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉ। ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଖୁଲାସା ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଉଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ କିପରି ମିଳିବ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।